इतना बड़ा फैसला आपने उठाया मेरे लिए। हमारे लिए एक दूसरे के लिए गोली खा सकते, मॉम की गाली तो खा ही सकते, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं रो नहीं रही, खुश हो रही हूं। ऐसे आंखों में मोती जैसे आंसू हैं। खुशी के आंसू हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपका ये वाला रूप भी देखने को मिलेगा। स्वीट सिंह ओबेरॉय, लेकिन शिवाय मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कहीं खो ना दूं। आपको पता है मुझे अंधेरे से इतना डर नहीं लगता जितना मुझे खुशी उससे लगता है, क्योंकि खुशियों के साथ उन्हें खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। ऊपर से अगर जिस बंदे ने थोक के भाव में दुख देखी हो तो उसे जब ऐसी छोटी सी खुशी मिलती है ना, तो उसे नहीं समझ में आता कि उसे वो कैसे महसूस करे। और ऊपर से मुझे नहीं पता कि भगवान जी को मुझसे क्या मिचमिची मचती है। जब भी वो मुझे छोटी सी खुशी देते हैं ना, तो पतले में मुझसे कुछ बहुत बड़ा मुझसे छीन लेते हैं। और आज अचानक से जो मुझे इतनी खुशी दे रहे हैं, तो मुझे डर लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में आपसे जो भी खुशी आएगी, जाने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आएगी। और इसके लिए अगर मुझे भगवान से लड़ना भी पड़े ना, लड़ूंगा मैं। वैसे तुम काफी पागल हो, इन दुख में तो रोती हो, लेकिन खुशी में उससे ज्यादा रोती हो। Who does that? आप भी कोई ज्यादा नॉर्मल नहीं है, आप भी सट क्यों हैं? सट क्यों हुए क्या होता है? आपको सट क्यों है नहीं पता? जो हिले होते हैं थोड़े दिमाग से खाली। One second, तुम मुझे पागल बोल रही हो? हाँ, you think I'm mad? हाँ, अगर आप मुझे पागल बोल रहे हैं तो मैं भी आपको पागल बोल रही हूँ, ठीक है? मैं जाके चेंज कर लेता हूँ और अपना बंद कर। खन्ना जी का फोन? मैम, मैंने वो शॉर्ट टेस्ट दे दी। थैंक यू खन्ना जी, बस एक बात याद रखिए, ये आपका और मेरा सीक्रेट है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम किसी को नहीं बताएंगे। एक बार रिपोर्ट आ गई तो हम सबको बता देंगे। खन्ना जी, जरूरी मुझे डीएनए टेस्ट रिजल्ट के बारे में बताने के लिए फोन कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मैंने और शिवाय ने एक दूसरे से वादा किया कि हम एक दूसरे के पास में नहीं जाएंगे। जब शिवाय ने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तो मुझे शिफाई के पास्ट के बारे में जानना चाहिए। अब आप ही समझाइए इसे मम्मी जी, क्योंकि मेरी बातों की तो कोई वैल्यूज रही नहीं ना। हमेशा ओबेरॉय खानदान की परंपरा को निभाने वाला आज खुद ही उस परंपरा को ठुकरा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि वही शिवाय, वो शिवाय जो खानदान की इज्जत की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार था, दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता था,
लेकिन आज उसके लिए खानदान भाड़ में जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है? आप ही बताइए मम्मी जी, कुल गोत्र की पूजा जरूरी है कि नहीं? कुल पत्री में इसकी बीवी का नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं? प्रॉब्लम क्या है आपकी? जब हमने डिसाइड कर लिया है पूजा नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, बात खत्म। और सदियों से चली आई परंपरा भी खत्म। बिल्लू, पिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र। माना हमें अनिका के कुल गोत्र के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम उसका नाम कुलपत्री में नहीं लिखवाना चाहते। पर पुत्र, पूजा तो की जा सकती है। पूजा हो गई तो फिर से वही सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब इसके पास है नहीं, इसीलिए ये नहीं चाहता कि पूजा हो। आपको ना जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये पूजा नहीं होगी। तेरा दिमाग खराब हो गया श्रीमान, ओबेरॉय खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, तो अब होगा। जो पहले नहीं हुआ ना, वो पहली बार हो सकता है। There's always a first time. माता शिवाय, कुछ तो सोच के बोल, हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? कौन पूर्वज? कौन? They're all dead now. और आपको लगता है वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि शिवाय ये कुल गोत्र पूजा करेगा या नहीं? मैं डिसाइड कर चुका हूँ, ये पूजा नहीं होगी। That's fine. खन्ना जी से कह देती हूँ कि मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ भी नहीं। खन्ना जी, मुझे। हेलो मैम, एक मिनट, डॉक्टर गोयल से बात कर रही हूँ। हेलो मिसेज ओबेरॉय, आपने जो डीएनए सैंपल्स दिए थे वो मैच हो गए। इसका मतलब? जी, वो दोनों भाई। कैसे आया ये खून? उसी का हो। किसकी बात कर रहा तुम? हम यार डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं। वो इनके जैसा दिखता है। जुड़वा है क्या? यहाँ कहीं को आई हो? हाँ, तुम्हारे बारे में पता लगाने कि तुम कौन। क्यों जानना है मेरे बारे में? तुमने मेरे पति की जगह लेने की कोशिश की, और जाहिर है मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे आके किया। और मुझे वही जानना हो कौन। मैं कैसे हो सकता? हाँ, ये शिवाय का भाई। अगर शिवाय को पता चल गया तो आप उनका फोन कहीं को नहीं उठा रहे। माँ, मैं माही। हाँ बोल। अरे देवा का शुक्र है तूने फोन उठा रही। अरे बहुत चिंता रहता मेरे को तेरा। तू ठीक है ना माँ? मेरी चिंता हो रही? अगर मेरी चिंता हो रही होती ना तो तू मुझे फोन नहीं करता। रणवीर ने तुझे मना किया था ना मुझे और उसे फोन ना करने के लिए, फिर फोन क्यों किया? सब बोल रही है माँ, तू मजाक कर रही है मेरे साथ। अरे चिंता होता है ना अपन गोविंद सर बेटा है तेरा। वो तो ठीक है, मैं उसके लिए फोन किया, इधर उधर का बात करने को नहीं, बस तू ठीक है बोल दे मेरे को। तू मेरे पास नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब प्लीज दोबारा फोन यहाँ मत करना, वरना तेरे फोन की वजह से पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, समझा? माँ मेरी बात तो तू रख फोन। ऐसा नहीं बोलने का था ना, फोन किया तो गलत क्या किया मैं? नहीं नहीं, ऐसा गलत नहीं सोचने का माँ है। माँ माँ बोला सही है, माँ से कुछ खा लेता है। दुनिया में ना सब झूठ बोलता है। मेरे को बोला कि इंसान जब दुनिया में आता है ना तो अकेला आता है,
जाता है तो अकेला जाता है, पर कोई साला अपने को भोला नहीं कि जब दुनिया में इंसान रहता है ना तो भी अकेला ही रहने का। कोई कोई बात करने को हेलो मैं माही कोई है कोई नहीं कोई नहीं शिवाय जो तू कह रहा है उसका मतलब जानता है ना ओबरॉय खानदान का सबसे बड़ा बेटा कुलगोत्र की पूजा नहीं करेगा उसकी बीवी का नाम कुलपत्री में नहीं लिखा जाएगा मतलब रुद्र और ओमकारा की बीवियों के बारे में लिखा जाएगा पर मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं लिखा जाएगा उसके नाम के आगे हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स ही रहेगा हा? कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए अनिका इम्पोर्टेंट है ना ही उसका नाम खून खानदान और ये सच मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ बेहतर होगा अगर आप भी कर ले तो इसके आगे और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए देखा मामी जी देखा कैसी बातें कर रहा है एक अनिका के लिए पूरे खानदान उससे जुड़ी परंपरा की ओमा माता करने पे तुला है शिवाय ने तो फैसला कर लिया कि उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं जानना लेकिन जो मुझे शिवाय के बारे में पता चला है मैं उसका क्या करूं इतनी बड़ी बात ना बता सकती हूँ ना छुपा सकती हूँ बताती तो बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा लेकिन अगर नहीं बताई और यही बात शिवाय को किसी और से पता चल गई तो अनिका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है याद है ना शिवाय को बताऊं या नहीं कि माही उनका सगा भाई है पता नहीं शिवाय ये सच बर्दाश्त कर भी पाएंगे या नहीं क्या करूं तैयार नहीं हुई हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो मुझे साहिल को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने जाना है और उसके बाद मुझे थोड़ा और काम भी है तो शायद शिवाय मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाऊंगी हाँ दैट्स फाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेट्स गो आपने जो डीएनए सैंपल्स दिए थे वो मैच हो गए वो दोनों भाई थे क्या हुआ ना क्या कुछ नहीं बस मुझे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑल द बेस्ट बोलना था सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है कोई वॉर नहीं है अगर ये वॉर भी होती ना तो भी मैं आपको कभी हार नहीं दूंगी सॉरी शिवाय मैं जानती हूँ हमने पता किया था कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखे लेकिन इस बार बात आपकी आपके परिवार की आपके सगे भाई की है जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं मुझे लगता है आपको अपने भाई के बारे में पता होना चाहिए लेकिन उससे पहले पूरा सच जानने के लिए मुझे माही से मिलना होगा राम राम साहेब मैं वो सर्वी के मोहल्ले वाला पान वाला बोल रहा हूँ वो जिसे आपने नंबर दिया था ना नयनतारा को देने के लिए अच्छा एक काम करिएगा प्लीज जब अगली बार नयनतारा जी आए ना उन्हें मेरा ये कार्ड दे दीजिएगा एंड उन्हें मुझे फोन करने कहिएगा ओके जी सर हाँ लेकिन मुझे अभी नयनतारा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए और प्लीज मेरा नंबर उन्हें मत दीजिएगा ओके थैंक्स मैंने अनिका से प्रॉमिस किया है मैं खड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा आई विल नॉट लेट द पास्ट अफेक्ट आवर फ्यूचर आई विल डू इट शिवाय तो उस बात पे आने को तैयार ही नहीं है।
बात है, उसे अनिका के नाम खून खानदान से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कैसे फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ेगा तो उस अनिका को अपने बच्चे की जिंदगी से गेट आउट कैसे करूंगी? बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे अपना हुक्म का इक्का फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे झूठ को अनिका की सच्चाई बना दूंगी कि उस बेफजूल के रिश्ते की ओमाय माता होकर रहेगी। पिंकी सिंह ओब्रॉय बोल रही हूं, तुम तैयार हो ना? आवाज करके दिमाग का गंगाराम कर रहा है मेरा। क्वेश्चन कुमारी तो हमें नया क्या किया है? देखो मेरा भेजा ना पहले ही बहुत घुमेला है, तुम भेजा फ्राई मत करो, तुम जाओ यहां से। मुझे पता चल गया, चल गया कि तुमने शिवाय की जान क्यों बचाई। सुई का घाटा वहीं अटका है अभी तक। है तुम्हारे पास कोई जवाब? क्यों बचाई तुमने शिवाय की जान? क्या रिश्ता तुम दोनों के बीच? हाँ? कुछ नहीं अरे। खून आखिर खून ही होता है। तुमने मुझे नहीं बताया लेकिन मैंने पता लगा लिया। शिवाय तुम्हारा भाई। ये प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट होगा और इसमें खासियत ये है कि रेसिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल स्पेस को भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी। मिस्टर ओब्रॉय, आपकी कंपनी का और मिस टिया कपूर की कंपनी के साथ जो 36,000 करोड़ का मर्जर होने वाला था, उसका क्या स्टेटस है? It didn't work out. और इसकी वजह क्या थी, प्रोफेशनल या पर्सनल? कुछ बिजनेस रीजन। लेकिन सर, हमने तो सुना है कि आपका और मिस टिया कपूर का रिश्ता जो टूट गया, उस वजह से ये मर्जर नहीं हो पाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ ओबेरॉय ग्रुप के करंट प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने के लिए आए। That's why we are having the press conference. मिस्टर ओबेरॉय, आपकी वाइफ कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे बिजनेस के बारे में, ना कि मेरी बीवी के बारे में। मिस्टर ओब्रॉय, आप इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर रहे हैं और आपने हमेशा से अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि आप जब भी जिससे भी शादी करेंगे वो बहुत स्पेशल होगी और वो बहुत खास होगी, बड़े ही इज्जतदार खानदान से होगी। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी वाइफ, उनकी फैमिली और उनका फैमिली बिजनेस क्या है। दिमाग में क्या केमिकल लोचा चालू है रे? भी न्यूज छिड़का रही है। ये जो तू अभी बोली ना, एकदम सच। तुम और शिवाय जुड़वा भाई, और इसलिए तुमने शिवाय की जान बचाई। और ये बात मैं अभी हवा में नहीं बोल रही हूं, मेरे पास सबूत है। DNA टेस्ट का रिजल्ट।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।